मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनका अनुभव जाना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की और हर प्रकार की मदद का भरोसा दिया। सभी खिलाड़ी भी मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश थी। मुख्यमंत्री से मिलने वाली खिलाड़ियों में भारतीय अंडर 17 टीम की कप्तान अष्टम उराव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की शामिल थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करना और मैदान में दमखम दिखाना, महिला फुटबॉल में देश को विश्व पटल पर ले जाना गौरवान्वित करने वाला क्षण है। टीम इंडिया समेत झारखंड की हमारी होनहार बेटियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, आपका भाई आपके साथ है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद टीम इंडिया की कप्तान अष्टम उराव ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर काफी अच्छा लगा। उन्होंने हमारे अभ्यास के लिए मैदान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मदद का भरोसा भी दिया है। जो मैदान अच्छी स्थिति में नहीं है उनको ठीक कराया जाएगा। कोच आनंद प्रसाद गोप ने कहा कि मुख्यमंत्री से फुटबॉल अकादमी बनाने और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए मैदान की मांग की गई है। इससे पहले बुधवार को सभी खिलाड़ियों का रांची लौटने के बाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। रांची के सांसद संजय सेठ, विद्युत बरन महतो और खेल विभाग के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बात करते हुए अष्टम ने कहा था कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेलकर काफी अनुभव मिला। हमने 8 महीनों की ट्रेनिंग में जो सीखा उसका 100% देने का प्रयास किया। हम काफी रक्षात्मक खेले। एक टीम के रूप में हम काफी अनुशासित थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।